दोस्तों आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक बोर्ड फिट कैसे किया जाता है उसके विषय में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। इसमें एक फ्यूज है, एक इंडिकेटर है, दो स्विच है, एक 5-पिन सॉकेट है और दो स्विच है, यानी पिच में है 5-पिन सॉकेट और दोनों साइड दो दो स्विच लगाए हैं, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर के साथ। तो आइए जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। ये देखो ये फ्यूज है, इस पर आपको पतला सा ही तार जोड़ना है फ्यूज में, आप मोटा तार मत जोड़ना। तो ये जो हम लोग स्विच का कनेक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे और कौन सा तार इसमें उपयोग करेंगे इसके विषय में मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो आपको लेना है डीसी वायर, आप 1 mm या 2 mm का डीसी वायर ले सकते हो और उसको प्लास की सहायता से आप इसे छील सकते हो। इसे आपको पूरी तरह से कॉपर इसका निकाल लेना है किसी भी तरह से। कॉपर निकालने के बाद आपको इस तरह से साइज में काट लेना है, इसे प्लास या कैंची की सहायता से आप काट लो। इसे मैं कटर से काट रहा हूँ बट ये कटर से कट नहीं रहा है तो मैं कैंची का उपयोग करूँगा इसको काटने के लिए। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपको हैवी तार से ही वायरिंग करना है, आप पतला तार से वायरिंग मत करना, नहीं तो लोड पड़ने के साथ ही वो तार खराब हो जाएगा और टूट जाएगा। और आप अच्छे कॉपर का ही उपयोग करना, यदि आप उसमें लोहा मिक्स वाला कॉपर का उपयोग करोगे तो वहाँ फिर आपका कार्बन आएगा और फिर आपके स्विच गर्म होंगे और वो ख़राब हो जाएंगे। और दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जब आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये नट जब कस रहे हो तो आप अच्छे से टाइट करना, क्योंकि यदि यहाँ पे भी लूज कॉन्टैक्ट आप छोड़ते हो, यानी आप यदि नट को ढीला छोड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में ये स्विच फिर स्पार्क करेगा और गर्म होकर इसकी फ्यूज की जो फाइबर है वो जलेगी और फ्यूज ख़राब हो जाएगा। ये देखो इसे हमने अच्छे से टाइट कर दिया, ये दोनों स्विच को एक साथ मिला देना है, स्विच का निचला सिरा ये अच्छे से देख लो। और फिर हमें ये लेफ्ट साइड वाले स्विच को भी इसी तरह जोड़ना है। और अब सबसे पहले फ्यूज के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये है फ्यूज, फ्यूज का जो दो पॉइंट में से एक पॉइंट आप नीचे ऊपर कोई सा भी ले लेना। और अगर आपको जानकारी नहीं है दोस्तों तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ये देखो नीचे वाला जो ये अच्छे से नहीं हो रहा है मिक्स, इसको प्रॉपर तरीके से करना। दोस्तों वीडियो हमने बिना कट का बनाया है, वीडियो का स्पीड हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया इसलिए कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसके वजह से हमने इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई, बट वीडियो हमने कट नहीं डाला वीडियो में ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं कट वीडियो डालूँगा तो फिर आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ये इस तरह से आपको इसके निचले सिरा में ही जोड़ देना है, यानी स्विच के निचले पॉइंट पे जो दो टर्मिनल है उसके निचले टर्मिनल में आपको जोड़ देना है, क्योंकि फ्यूज से होके इसमें करंट आएगा और अगर ओवरलोड की स्थिति होगी या शॉर्ट सर्किट होगी तो वैसी स्थिति में हमारा फ्यूज उड़ेगा, पूरा घर का वायरिंग नहीं जलेगा। यदि हाई वोल्टेज भी होगी तो हमारा कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स लगा हुआ है वो ख़राब ना होके हमारा फ्यूज ही उड़ेगा। और फ्यूज आपको पतला ही लगाना है, हैवी फ्यूज मत लगाना। और इसे हम अच्छे से टाइट करने के लिए प्लास का भी सहायता ले सकते हैं और इसको थोड़ा सा साइड कर देंगे। अब मैं यहाँ पे प्लास्टिक वायर भी जोड़ सकता था बट चूँकि डिस्टेंस कम है तो मैंने कॉपर का ओपन वायर ही इसमें जोड़ दिया। अब जो लेफ्ट साइड का दो स्विच है उसके भी निचले सिरे को दोनों को मिला देना है। तो इस तरह से वायर को फोल्ड कर लेंगे मोटा करके और इसमें डाल देंगे इस तरह से। दोनों नट पहले ढीला करेंगे और इसके निचले टर्मिनल को आपस में मिला देंगे ये इस तरह से। ये काफ़ी ईजी है दोस्तों बट जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। और अगर आप बाहर से टेक्नीशियन मंगवाते हो तो फिर वो कुछ ना कुछ चार्ज तो करेगा ही, ऐसे कोई भी आपका काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको जोड़ देना है। ये देखो अब हमें इसमें से एक स्विचिंग के लिए 5-पिन सॉकेट में दे देना है। आप जिस भी स्विच को 5-पिन सॉकेट ऑन ऑफ के लिए बनाना चाहते हो आप उसी स्विच के साथ जोड़ रहे हो जोड़ देना। और मैं चूँकि इसके बगल का ही स्विच ज़्यादा बेटर रहेगा राइट साइड का, तो मैं इसे जोड़ रहा हूँ, इस स्विच को 5-पिन सॉकेट की स्विचिंग के लिए उपयोग में ला रहा हूँ। ये इस तरह से हमें अच्छे से कनेक्ट कर देना है। इसमें देखो 5-पिन सॉकेट का एक टर्मिनल जो है अपोजिट साइड मुड़ा हुआ है, तो पहले इस तरह से वायर को इन कर लेंगे, इस तरह से इन करेंगे और कट कर लेंगे और चिमटा की सहायता से हमें इसे फिर फिक्स कर लेना है
ऊपर वाले टर्मिनल में डाल देना है टाइट करने से पहले। ये देखो ये हो गया। अब हमें अच्छे से टाइट कर देना है, क्योंकि जब हम 5 पिन सॉकेट का यूज करेंगे तो नीचे का दोनों टर्मिनल जो है हमेशा हिलता रहेगा, और अगर नट जरा सा भी ढीला रहेगी या लूज रहेगा तो वैसी स्थिति में हमारा ये 5 पिन सॉकेट अच्छे से काम नहीं करे। और इसके लिए ये स्विच हो गया। अब हमें स्विच के बाद कनेक्शन करना है इंडिकेटर का। इंडिकेटर में दोस्तों प्लस और माइनस दोनों दिया जाता है, और साथ ही साथ हम माइनस वायर का भी कनेक्शन बना लेंगे, और 5 पिन सॉकेट में एक पिन तो माइनस में जाएगा, तो ये एक साइड का दोनों पिन में हम एक वायर को जोड़ लेंगे। प्रयास करना दोस्तों कि इसमें ब्लैक या ब्लू वायर का ही उपयोग करना, ग्रीन वायर का भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि माइनस लाइन के लिए यदि आप माइनस इंडिकेटर कलर का उपयोग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में यदि कुछ ख़राबी आएगी तो आपको बनाने में या रिपेयर करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ब्लू वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे मैंने माइनस पॉइंट बनाया है। इसमें एक इन करेंगे और इसके ऊपर वाले सिरे को हम लोग फ्यूज से मिला देंगे, और जब हम कनेक्शन करेंगे तो इंडिकेटर में ही प्लस और माइनस दोनों ला के दे देंगे। बहुत ही आसान स्विचिंग हो जाएगा, बहुत ही आसान कनेक्शन हो जाएगा। ये हमारा माइनस हो गया, ये दोनों, ये देखो। इसमें से तीन जो स्विच हमारा बच रहा है, एक बल्ब के लिए, एक नाइट बल्ब के लिए और एक फ़ैन के लिए हो जाएगा। अब हमें फ्यूज और इंडिकेटर को मिला देना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है ये दोनों को ही मिलाना है, क्योंकि बीच में कट है, बीच में 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, इसके वजह से बीच में कट हो रहा है। तो ये सारे स्विच को मिला देना होगा, क्योंकि राइट साइड में दो स्विच पे तो करंट आ जाएगा फ्यूज के ज़रिए, बट ये लेफ्ट साइड वाला में नहीं आ रहा है। तो इसको भी हमें अच्छे से कनेक्ट कर देना है वायर की सहायता से। इसे अच्छे से फोल्ड करके इसमें डाल देंगे और टाइट भी कर देंगे अच्छे से, और यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर देंगे। ये हो गया, ये देखो ये कंप्लीट है। बस हमें इंडिकेटर और फ्यूज को मिला देना है आपस में, और यहाँ पे ये हम यहाँ पे देंगे पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो एक वायर लेंगे, ये देखो ये वायर यहाँ पे साइज में आ रहा है, तो इसे ही उपयोग में लाएंगे। इसे भी अच्छे से टाइट कर देना है। इंडिकेटर पे प्लस माइनस दोनों देने का फायदा यह हुआ कि हमें कनेक्शन करने में कुछ भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। प्लस और माइनस का वायर लाके सीधे हमें इंडिकेटर के दोनों टर्मिनल पे दे देना है, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। प्लस और माइनस इंडिकेटर पे दे देना है, और फिर एक वायर माइनस हम इंडिकेटर पे देंगे और एक स्विच पे देंगे प्लस। ये देखो यहाँ से मूव करेगा पॉजिटिव करंट और यहाँ तक आएगा, और ये हमारा स्विचिंग के लिए है, ये दोनों स्विचिंग के लिए। ये दोनों हम पंखा बल्ब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो ये फ्यूज इंडिकेटर, और दो चार स्विच है और एक 5 पिन सॉकेट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कनेक्शन आप ज़रूर सीख गए होंगे, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, ये बहुत ही आसान है। और आप अगर बाहर से बोर्ड खरीद के लाते हो तो भी आपको परेशानी नहीं होगी फिट करने में। चलो इसको टेस्ट भी एक बार कर लेते हैं, तो आपको कनेक्शन कैसे देना है ये सीख लो। इसमें हम लोग इसको ओपन करेंगे, और इसमें कोई सा भी मैं दे रहा हूँ, आप इसमें ऊपर वाले में ही पॉजिटिव देना। ये देखो जैसे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, ऊपर वाले में पॉजिटिव और नीचे वाले में यानी ब्लू वाले में नेगेटिव देना है। और मैं मल्टीमीटर का प्रॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए, और इसमें करंट देंगे। करंट देने के साथ ही हमारा इंडिकेटर जलने लगा, ये देखो इंडिकेटर जल रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आप हमारे चैनल पे विजिट करो, और भी बहुत सारे वीडियो हैं आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।